बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरी YouTube फैमिली और मेरी प्यारी बहनें। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगी हैर हरियत से होंगी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ खड़े मसाले की कढ़ाई। खड़े मसाले की कढ़ाई बहुत ही यमी बनती है, बहुत ही मज़ेदार होती है। तो चले बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। देखें मेरी प्यारी बहन, मैंने एक कप ऑयल का लिया है, इसमें मैंने एक अदद कड़ी पत्ता डाला, इसको मैंने तोड़ा है, ये बड़ा था। एक अदद मैंने कड़ी पत्ता डाला है, एक अदद दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और काली मिर्च, बच्चे नहीं खाते मुंह में आती है, अच्छी नहीं लगती। ये मसाला मैंने डाल के इसको थोड़ा सा फ्राई होने देना है। साथ ही मैंने इसके अंदर, मेरे पास एक केजी चिकन है, ये मैंने घी में ऐड कर दिया। देखिए मेरी प्यारी बहन, मैंने चिकन घी में डाल दिया है, मेरा चिकन फ्राई हो रहा है। लोग पहले मसाला भूनते हैं और बाद में चिकन ऐड करते हैं, फिर वो स्मेल आती है, लेकिन मैंने पहले चिकन भूनना है, बाद में मैंने मसाले ऐड करने, क्योंकि ये खड़ा मसाला कढ़ाई बन रही है, बहुत ही मज़े की बनती है ये। देखिए मेरी प्यारी बहन, मेरा चिकन अच्छे से फ्राई हो गया, इतना फ्राई करना हमने, इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। अब मैंने इसके अंदर, मेरे पास तीन जगह मैंने लहसुन के लिए हैं, एक प्याली मतलब इसको मैंने कूटा है सिंपली, वो मैंने ऐड कर देना है, मोटा मोटा मैंने कूटा है। साथ ही मेरे पास अदरक है, एक गट्ठी मैंने अदरक लिया है और इसमें ज़ीरा मैंने कूटा है, ये भी ऐड कर देना। मेरे पास चार अदद बड़ी प्याज कटी हुई है, ये भी मैंने ऐड कर देनी इसमें। अब मैंने इसको भून लिया, इसकी खुशबू बहुत प्यारी आ रही है माशाल्लाह। मेरी प्यारी बहन, अब मैंने इसमें एक टेबलस्पून मैंने नमक का ऐड करना है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकती हैं। फिर मैंने इसे मिक्स करना है, मेरा प्याज अच्छे से फ्राई हो गया देखे बीच में। अब मैंने इसमें डालना है सूखा धनिया एक टेबलस्पून, साथ में मैंने इसमें डालना है गरम मसाला पिसा हुआ 1 टेबलस्पून, साथ में मैंने इसमें डालना है पिसा हुआ ज़ीरा मेरे पास 1 टेबलस्पून, साथ ही मैंने दोबारा इसको भूनना है मसालों को, तो मसालों की अच्छी सी खुशबू हुआ। अब मैंने इसमें डालनी है 1 टीस्पून भर के हल्दी, इसको भी मैंने साथ में मिक्स करना, साथ ही मैंने इसमें ऐड करनी है लाल मिर्च। फिर मैंने 1 टीस्पून ऐड करनी है, इसको भी मैंने अच्छे से भूनना है मेरी प्यारी बहने। और साथ ही अब मेरे पास कटी हुई भी हरी मिर्चें हैं और साबुत भी हरी मिर्चें हैं 10 से 12, ये भी मैंने ऐड कर दी। अब मैंने एंड पे इसके अंदर मैंने इसको भी भूनना मिर्चों को भी साथ। अब मैंने लास्ट में, मेरे पास 4 अदद मैंने बड़े टमाटर लिए हैं ये काटे हुए हैं, ये मैंने ऐड कर देंगे। टमाटर ऐड करके मैंने इसको दम पे लगा दी। देखिए मेरी प्यारी बहन, मैंने चिकन को दम पे लगाया था, अब मैंने ढक्कन खोला, मेरे टमाटर भी गल गए हैं, ये उसी पानी में गले हैं, टमाटर ने पानी छोड़ा, मैंने इसमें पानी ऐड नहीं किया बिल्कुल भी। अब ये मेरी ग्रेवी है, देखिए कैसी खड़े मसाले की तरह ग्रेवी बनी है, ये बहुत अच्छा बनता है, आप भी ट्राई किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब मैं थोड़ी देर इसे भूनूंगी, साथ ही मैंने हरा धनिया ऐड करना है इसमें और मैंने कुछ भी ऐड नहीं करना है इसमें, क्योंकि हमने सारे स्पाइसेस पहले ही डाल लिए। मेरा चिकन भी बहुत अच्छे से गल गया है, अब मैंने बस इसे थोड़ा सा भूनना है, तो टमाटर का पानी जो है ना वो पूरी तरह खुश्क हो जाए। ये मैंने भूना है, मेरे भूनने के बाद मेरी कढ़ाई रेडी हो गई है माशाल्लाह से।
मैं आपको सर्व करके बताती हूँ ये कैसी बनी है। बहुत ही यम्मी बनी है मेरी कढ़ाई माशाल्लाह।